हाय एवरीवन, आई एम करिश्मा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूवी डॉग के सनस्क्रीन जेल के बारे में, सनस्क्रीन लगाने के फायदे और नुकसान के बारे में। तो हम अपनी पुरानी वीडियो में बात कर चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में मैं उस टॉपिक पर बात नहीं करूँगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ इस सनस्क्रीन जेल का रिव्यू शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ यूवी डॉग के सनस्क्रीन जेल के बारे में, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ये हमें SPF 50 PA++ के साथ मिलता है, साथ ही UVA UVB जैसी हार्मफुल रेन से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है, कोई भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है। इसके साथ ही ऑयल फ्री प्रोडक्ट है, मैट फिनिश आपको देता है। इसके साथ ही ये वाटर रेसिस्टेंट प्रोडक्ट है, जो कि बिल्कुल सही है। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी इन सब चीज़ों के बारे में। और सुटेबल फॉर किड्स, यानी कि आपके घर में अगर बच्चे हैं, आप बच्चों के लिए कोई सनस्क्रीन देख रहे हैं, तो ये सनस्क्रीन आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। और गाइस, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है और क्लिनिकली प्रूवन भी ये प्रोडक्ट है, यानी कि पूरी तरह से सेफ प्रोडक्ट है। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट भी है, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि एक तो ये SPF 53 PA++ के साथ ये हमें मिलता है। इसके बाद भी ये कोई भी वाटर रेजिस्टेंस प्रोडक्ट है, कोई भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी है। इसके बाद 100% ये मिनरल ब्लेस विथ जिंक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड प्रोडक्ट है। अब मैं इसको आपको अंदर से बताऊं, तो इस तरह की आपको पैकिंग मिलती है। इसके अंदर आपको ये छोटू सा क्यूट सा ये मिलेगा, इसका कोई यूज़ तो नहीं है, बट हाँ, इस टाइप का आपको ये मिल जाएगा। इसमें इसके बेनिफिट्स वगैरह दे रखे कि इसमें क्या क्या चीज़ है। सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ ही जो सनस्क्रीन है हमारा, वो कुछ इस टाइप का है। इस टाइप की पैकिंग आपको मिलेगी इसमें। आप देख सकते हो कि पैकिंग काफ़ी अच्छी है, ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है, तो आप इसको अपने बैग में कैरी कर सकते हो। और इसके बाद गाइस, ये जो प्रोडक्ट है वो क्लेम करता है कि ये आपको मैट फिनिश देता है, यानी कि अगर आपने ये यूज़ किया है, तो इसके बाद आप फाउंडेशन या फिर कंसीलर या फिर बीबी क्रीम, सीसी क्रीम जैसी क्रीमों की आपको ज़रूरत नहीं होगी। सो इस प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करूँ गाइस, तो ये प्रोडक्ट आपको 50 ग्राम की क्वांटिटी के साथ आपको मिलता है। देन जो इसका प्राइस है वो 799, यानी कि 800 रुपये के आसपास है। और गाइस, इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा, और सच में ये मैट फिनिश भी देगा आपको। आप टेक्सचर देख सकते हो, पूरा आपको बीबी क्रीम जैसा आपको लग रहा होगा, है ना, तो इस टाइप का ये टेक्सचर आता है, जो कि सही है। और एकदम बिल्कुल ही एकदम फाउंडेशन और बीबी क्रीम जैसा ही इसका टेक्सचर है, और वैसा ही ये हमें पूरा स्किन पे एब्जॉर्ब होने के बाद में लगता है। तो आप में देख सकती हो कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया है, इसके बाद मैं अपनी स्किन पे अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कोई मेकअप नहीं लगा रखा है, लेकिन लगाने के बाद आप देख सकते हो, थोड़ी देर तक आपको लगेगा कि वाइट सा हो रहा है, लेकिन नहीं, जब आप इसको पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे स्किन में, तब आपको एकदम मैट फिनिश देता है। बहुत ही स्मूथ सी आपकी स्किन हो जाती है गाइस। अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ग्लोई सी नज़र आ रही है, आप लोग देख सकते हो। इसको पूरा ब्लेंड होने के बाद में आप स्किन का टेक्सचर देख सकते हो कि बीबी क्रीम, सीसी क्रीम लगाने के बाद जो हमें ग्लो मिलता है, वो ग्लो इस सिर्फ सनस्क्रीन को लगाने के बाद में हमें मिल रहा है। तो अगर आपको हैवी मेकअप से प्रॉब्लम है, अगर आपको हैवी मेकअप पसंद नहीं है, लेकिन सनस्क्रीन तो हमें लगाना ही चाहिए, अगर आप बाहर जाते हैं या फिर घर में रहते तो भी, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये सनस्क्रीन बहुत अच्छा है, एक ही सनस्क्रीन लगाने के बाद ही आपके सारे काम कर देता है। इवन मैं भी अभी सनस्क्रीन को लगा के ही बैठी हूँ, इसके बाद में मैंने नॉर्मल कॉम्पैक्ट लगाया है, दैट्स इट। अगर आपको भी हेवी मेकअप नहीं पसंद है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये सुटेबल ऑल स्किन टाइप है, मैन और वुमेन कोई भी यूज कर सकते हैं। सो गाइस, मुझे तो ये काफी पसंद आया है, आप लोग इसको जरूर परचेस कर सकते हैं। और इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई है, तो ठीक ठाक ही फ्रेग्रेंस है इसकी, लाइक बीबी क्रीम जैसी ही इसकी फ्रेग्रेंस है। सो अगर आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आप लोग इसको परचेस कर सकते हो। आप इनको डायरेक्ट इनकी वेबसाइट से जाके भी परचेस कर सकते हो, और ये जिस भी ऐप पे अवेलेबल होगा, उसका लिंक भी आप लोगों के साथ में शेयर में जरूर कर दूंगी। सो गाइज, आई होप कि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो। ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको इसके अलावा और किसी भी प्रोडक्ट का अगर रिव्यू चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइज, मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।